तो भाई एक बार फिर से वेलकम स्वागतम और एक बार फिर से आप लोगों का है खैर मकदम मेरे यूट्यूब चैनल पर एम जे गुल। और इस वक्त हम खड़े हैं जाकिर नगर में, और जाकिर नगर में हम क्यों हैं आप ये सजावट देख सकते हैं। रमज़ान आ गए हैं, तो सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और जाकिर नगर की अगर हम बात करें तो रमज़ान में इसको पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और एक से एक बेहतरीन खाने मिलते हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार चलते हैं, देखते हैं जाकिर नगर में आपको आज क्या क्या मिलेगा। और आज ये ख़ास बात ये है कि मेरे साथ मेरे कज़न कानपुर से आए हैं, तो मैं आज खुद उनको होस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ये फरहान है और आज मैं इनको दिखाऊंगा कि हमारे दिल्ली के क्या क्या जायके होते हैं। कानपुर वालों को शायद नहारी के बारे में इतना नहीं पता। खजला है, फेनी है। ये क्या होता है? खजला। खजला खजला किस चीज से बनता है? ये मैदा का बनता है। मैदे से? मैदा घी। तो ये खजला जो है इसकी खास बात क्या है, क्यों खाते हैं लोग ये? शहरी में खाते हैं, रोजे में। अच्छा, और ये फेनी है? फेनी। ये फेनी है, ये खजला है, और ये कचौड़ियाँ हैं? ये कचौड़ियाँ हैं, ये बालूशाही है। बालूशाही है। तो ये रात में बालूशाही क्यों बन रही है रात में कहीं? ये ऑर्डर है। ऑर्डर है। तो भाई मैं एक कचौरी यहाँ से उठा लेता हूँ और देखता हूँ कि थोड़ी फूली हुई कचौरी निकालिए भाई। एक बड़ी ज़बरदस्त कचौरी निकाल के दी है इन्होंने, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मसाला है और ये दाल से तैयार होता है। तो भाई देखते हैं, इसको ऐसे ही खालिस खाया जाए कि किसी चीज़ के साथ खाया जाए? नहीं, ऐसे खाते हैं, ऐसे ही। तो भाई ऐसे ही कचौरी ट्राई करते हैं। मज़ा आया? आप भी खाइए। अरे एक थोड़ी सी खाइए। अरे खाइए तो सर। भाई मैं अगर रिव्यू दूंगा उससे बेहतर है कि ये रिव्यू दें। खाइए, मुझे बताइए कैसी है। बहुत ही लाजवाब होती है इनकी आपकी। खाइए खाइए, हाथ में बताइए। अब्बू के साथ आई है। और यहाँ पर ये क्या लिखा है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा। क्विक ईट, बड़ा स्टाइलिश सा क्विक ईट लिखा हुआ है इन्होंने। और स्पेशल रिकमेंडेशन है बच्चे की कि इनके आगे रोल बहुत अच्छे होते हैं। दो मिनट भी नहीं लगे कि इन्होंने मुझे रोल तैयार करके दे दी। लाजवाब कर दिया भाई, बहुत सर। तो भाई बहुत ही बेहतरीन चिकन रोल था और काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट कवर कर रहा हूँ। वही है जो पुरानी दिल्ली में है, उनकी ब्रांच है ये। पुरानी दिल्ली वाली ब्रांच है नहीं, पक्की बात। आओ भाई, भाई तो भाई एक फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। कहाँ से आए आप लोग? संगम बिहार से आए हैं। संगम बिहार से स्पेशली यहाँ पर कबाब खाने आए हैं? कबाब करें, चिकन कबाब करें। अच्छा, मटन और चिकन कबाब आपने करे, नहारी कहीं और से किया आपने, लेकिन इन्होंने आपको इतनी लिबर्टी दे दी कि मेरे यहाँ बैठ के नहारी भी खा लो। अच्छा, रेगुलर कस्टमर्स हैं आप। तो भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पेशली ना रमजान में यहाँ पे बहुत मजा आता है। ये हमने बड़े के कबाब ऑर्डर करे हैं और ऊपर क्रीम ही क्या डाला है आप? क्रीम और दही है। शाम बेटा पास हो, बटर है। ये आप देखिए कितने जूसी कबाब हैं, ये देखिए कितने जूसी कबाब हैं। और आप इसको बटर में हल्का सा डिप करें, थोड़ी सी दही में डिप करें और इसको बिस्मिल्लाह करें। भूल गया भाई, मुँह में भूल गया। तो दो कुरैशी कबाब हैं इस वक्त यहाँ पर, और वही जायका है जामा मस्जिद वाला। तो जो लोग जामा मस्जिद नहीं जा सकते हैं या नहीं जाते हैं किसी वजह से, वो लोग जाकिर नगर आए, कुरैशी कबाब खाएं, बहुत शानदार कबाब। भाई एम जे गुल के नाम से है चैनल, सब्सक्राइब करो आप अभी।
ये मुर्ग मुसल्लम के बीच में छोले और कुलचे कहाँ से आ गए? आप ये पकड़ो, यहाँ पर कबाब बन रहे हैं, यहाँ पर मेरी वीडियो बन रही है, और इसके बीच में किसी को जूते खाने हैं तो जूते भी खाए, और किसी को छोले कुलचे खाने हैं तो छोले कुलचे भी खाए। तो भाई ये बीच में कहाँ छोले कुलचे लेके बैठे हो? मेरा लखनऊ प्लेटी कबाब के बराबर लगता है 3 साल से। 3 साल से लगा रहे फास्ट में? अच्छा, सिर्फ रमजानों में लगाते हैं? जी, और रमजान में मेरा हर बार यही लगता है। अच्छा, रमजान में यहाँ लगाते हैं? कैसे, कहाँ लगाते हैं? लखनऊ प्लेटी कबाब वाले के बाहर लगता है। अच्छा, उसके बराबर में लगाते हैं? जी, वही उसी दुकान में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक प्लेट बना के दिखाइए आज कैसा है आपका। तो भाई जहाँ नॉन वेज खा रहे हैं तो थोड़ा सा वेज आइटम भी देख लें, थोड़ी सी स्पीड हल्की रखें ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूँ। क्या नाम है भाई आपका? अफसर। अफसर भाई, अफसर। तो भाई अफसर, लोग जब आपको कबाब, सॉरी, जब कबाब मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है क्योंकि मैं जाकिर नगर के हूँ ना, तो कबाब मुंह से निकल रहा है, तो जब अफसर लोग आपको छोले कुलचे बना के दें तो उसकी बात ही अलग है। पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा जाकिर नगर के इलाके में छोले कुलचे। हाँ हाँ हाँ, मक्खन। स्पेशल है आपके छोले कुलचों में? जी, मेरा छोले कुलचे दूध और मक्खन में फ्राई होता है। ये कुलचे तो आप, मुझे लग रहा है खुद नहीं बनाए होंगे ना ये तो आपके? नहीं, ऑर्डर में बन के आता है, बेकरी से आता है बन के। अच्छा, ये बेकरी से बन के? जी 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 जी। तो छोले आप खुद बनाते हैं? जी जी। तो लाइए दीजिए, देखो भाई, खुद ही करता हूँ मैं। ज़बरदस्त छोले कुलचे जाकिर नगर के अंदर, बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये तो। रात के 10 बजे छोले कुलचे पहली मरतबा खा रहा हूँ भाई। 10 बजे से लेके शहरी के टाइम तक? शहरी तक जी, तो जी। यानी 4:45 बजे तक? जी, 4:30 साढ़े 4:45 बजे तक। जी जी जी। मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 3:30-4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। 3:30-4 बजे ख़त्म हो जाता है जी। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई शहरी के लिए छोले कुलचे ये मैं पहली मरतबा ट्राई करूँगा। मुझे लोग जानते भी हैं, मोहम्मद कैसर नाम है मेरा। कैसर भाई? जी जी जी। काट लेते हैं कैसर भाई के छोले कुलचे। कैसे हैं फरहान भाई, आप भी ट्राई करो। तो भाई छोले कुलचे कर लिए ट्राई, वेज आइटम भी हो गया है। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं जाकिर नगर, उनको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं रहने देगा। बेहतरीन छोले कुलचे, बेहतरीन, आला, बहुत आला। हाँ कैसर भाई, मज़ा आ गया। शुक्रिया भाई, मतलब पूरी पूरी टक्कर दे रहे हैं नॉनवेज को। जी जी जी, जो बात है ग्रेट। सन 2000 से यहाँ पे मौज कर रहे हैं। तो आप हर शहरी में नहीं से लेके जाते? यस यस। कैसा लगा आपको? कैसा? अरे जबरदस्त फीलिंग, जबरदस्त। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो है संडे वाले दिन ये छोले कुलचे लेके जाते थे, और मैं सोचता था मैंने कहाँ से लेके जाते हैं, मैं जाकिर नगर में मुझसे ज़्यादा कोई खाने को नहीं जानता। और मैंने आज देख के आपकी वीडियो से मैं रुक गया, मैंने कहा बताइए छुपे हुए छोले आज मेरे को भी नसीब हो। यार ये भी ट्राई कर लेते ना। ये क्या है भाई? दलीम बिरयानी। भाभी से बात कर रहा हूँ। मैंने अगर भाभी से भी करो तो भाई आपको लगा। तो भाई मेरठ की मशहूर हर दिल अजीज दलीम बिरयानी, बड़ी लंबी लाइन है भाई, क्या स्पेशल है? हर दिल अजीज दलीम बिरयानी, मेरठ की मशहूर हर दिल अजीज दलीम बिरयानी, टंग ट्विस्टर हुई है ये। दिखाइए आपके पास क्या क्या है। ये हमारी बिरयानी होती है। हाय हाय, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई। इसमें ज़ाफरान है क्या भाई? इसमें सभी कुछ मिला हुआ है भाई साहब। ये कलर किस चीज़ का है? ये कलर लगाते हैं हम। कलर ये रमज़ानों की वजह से होता है, वैसे वाइट होती है। रमज़ानों में हम 3-4 तरह के कलर लगाते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या आइटम है आपके पास? दूसरा हमारे पे हलीम है। ये हलीम है भाई, ये मेरठ वालों का हलीम तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये आप बनाते हैं, खुद बनाते हैं? जी, खुद ही बनाते हैं भाई साहब। कैसे बनता है ये हलीम? मुझे तो मालूम है लेकिन मेरे व्यूअर्स को बताइए। गैस पे रख के बन जाता है। गैस पे रख के बन जाता है? यार बड़ी ज़बरदस्त बात बताई भाई ने कि गैस पे रख के बन जाता है। अरे भाई इसमें क्या क्या डालते हो ये बताओ भाई। रेसिपी तो मैं नहीं बता पाऊँगा। रेसिपी नहीं बताओगे? रेसिपी तो मैं किसी को भी नहीं बताता। रेसिपी किसी को भी नहीं बताते? तो यार फिर चखना पड़ेगा जी। आप टेस्ट कर लीजिए खुद, गैस कर लीजिए। चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं। आप कैसा प्लेट लगा देता हूँ। हाँ हाँ प्लेट लगाइए और आप टेस्ट करिएगा, उसके बाद में आप बताइएगा। ये हमारे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है।
मोहम्मद अदनान जी। अरे वाह अदनान भाई फुल फॉर्म में है, रेसिपी बताएंगे? नहीं भाई मैं रेसिपी किसी को नहीं बताता। क्या बात है, क्या बात है। क्या कुछ रह गया, क्या ये क्या डाला है आपने? ये ब्राउन प्याज होती है, ब्राउन प्याज जी। और ये नींबू जी। क्या बात, सिर्फ रमजान रमजान में लगाते हैं? नहीं भाई रेगुलर होता है। रेगुलर तो भाई पकड़िए आप कैमरा। और इनका दलीम बिरयानी या हलीम बिरयानी ट्राई करते हैं। बड़ी तो भाई बड़ी खास डिश है ये, थोड़ा सा करीब लाना है उसको। ये बिरयानी और हलीम, लो भाई ट्राई कर लो आप भी। गरम लग रही है तो एक प्लेट और ले लो भाई। हाँ हाँ हाँ, तो भाई ट्राई करते हैं दलीम बिरयानी। दलीम को बहुत से लोग हलीम कहते हैं, बहुत से लोग दलीम कहते हैं, तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ट्राई करते हैं कैसा है। इसका टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही होता है, मतलब दलीम का ज़ायका, वो हल्की हल्की घाट जो इसके अंदर ये कूटते हैं उसका हल्का हल्का ज़ायका, और चावलों का ज़ायका जो बिरयानी का ज़ायका, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो आपको खाना है तो ज़ाकिर नगर आइए, मेरठ की हर दिल अजीज़ दलीम बिरयानी, यहाँ पर आके ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार है। भाजी कितों आए हो, कितों आए हो? हैं जी जलंधर पंजाब। पंजाब क्या ले रहे हो आप? थोड़ा आगे जाने पर बूढ़े लरसते हुए हाथों को प्यास काटते हुए देखा तो सोचा क्यों ना कुछ यहाँ भी ट्राई किया जाए। तो क्या क्या बनाती हैं आप? कोरमा बना रहा था, मीठी टिक्की है, पकौड़ी बनाती हूँ। अच्छा जो आपका दिल करता है वो बना लेती हूँ। खुद निकालूंगा थोड़ा थोड़ा, ये हटा दीजिए, इसी में निकालूंगा दोनों सालन। तो भाई ये स्पेशल चिकन कोरमा है और बहुत ही देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, और इसमें मखाने वखाने भी हैं तो दो चार मखाने भी निकाल लेता हूँ मैं, सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से ले रहा हूँ। और ये कोफ्ता है, ये कोफ्ता है, लाइए मैं निकाल लूँ। इसमें कोफ्ता है और आलू है, अंडा है। ये कोफ्ता है, ये हमने कोफ्ता निकाला, थोड़ा सा आलू निकालते हैं और ये हम इसके साइड में रख लेते हैं, ये बंद कर दीजिए आप। और एक आइटम और है कबाब, ये सिका हुआ है ना, और ये हमने कबाब रख लिया। और अब हम चलते हैं अंदर, थोड़ा सा मिक्स हो गया है लेकिन देखते हैं कैसा है, तो भी टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, आइए फरहान भाई शुरुआत करते हैं कोरमे से। घर जैसा है, बहुत अच्छा टेस्ट है, घर जैसा है। तो भाई कोरमा मैंने कर लिया टेस्ट, अब बारी है कोफ्ते की। ये कोफ्ता है, तोड़ने में तो बहुत मुलायम है, गोश्त भी काफ़ी साफ है आपका, स्मेल नहीं आ रही। गोश्त के साथ कह रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं। और अब बारी है इस कबाब की, कितने बजे तक खोल रही है सहरी में? सहरी में खोल रही हूँ, तो दो ढाई बजे तक सहरी तक खुला रहेगा, मतलब सहरी उसके बाद ही अमूमन लोग करते हैं। तो अब यहाँ आइए और इनके हाथ का बेहतरीन कोरमा कोफ्ते
और कबाब ट्राई करिए। तो भाई मीठे की तलाश में जहाँ पिछली बार गया था इस बार भी वहीं जाऊँगा और रबड़ी या फालूदा ट्राई करूँगा। लास्ट टाइम भाई की शिकायत रह गई थी कि हमें दिखाया नहीं, तो इस बार पूरा पूरा दिखाऊंगा। भाई कुछ ठंडा है बढ़िया फालूदा है। फालूदा ये लस्सी कर देना, तो फालूदा दे दीजिएगा। ये रबड़ी डाली है, बहुत बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा फालूदा है। आपको क्या देना सर? बहुत बढ़िया यार। क्या हुआ जी आपको क्या देना? इधर आओ। तीन लस्सी दे बेटा। इनकी दुकान में पहले भी दिखा चुका हूँ अपनी जो पहली जाकिर नगर की वीडियो है, सारी दुकानें छोड़ के कसदन यहीं पर आया हूँ क्योंकि बात अलग है इनकी। भाई अपनी दुकान का नाम एक बार दोबारा बताएं। शाही खीर के नाम से है हमारी दुकान, लेकिन अशरफ भाई के नाम से मशहूर है। तो आ गए अशरफ भाई भी आ गए। पिछली बार भी मैं आया था आपकी दुकान पर। तुकमे लंगा, तो ये तुकमे लंगा आया है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है। चम्मच डालो इसमें। चम्मच कहाँ है? चम्मच डाल के देखो। किसी ड्रिंक पे डालते होंगे आप? ये सब में फलूदे के अंदर डालते हैं, जितने शरबत होते हैं गर्मी के अंदर इसको डाला जाता है। तुकमे लंगा जो है बेसिल सीड्स कहलाते हैं। बेसिल सीड्स ये शाही खीर है। शाही खीर, तो ये शाही खीर स्पेशल खीर है ये जी। और इसके ऊपर रबड़ी है, ऊपर से रबड़ी डाली गई है और नीचे खीर है एकदम ठंडी ठंडी। तो ट्राई करते हैं शाही खीर। वाकई शाही है, बहुत उम्दा शाही है, वाकई शाही है। कोई तो मिट्टी के अंदर जी और ठंडा जो जायका आता है ना वो भी है, रखी हुई है एकदम ठंडी एकदम चिल्ड ठंडी ठंडी है। बहुत ज़बरदस्त है अशरफ भाई। तो भाई इसे शाही खीर के साथ एक शाही एग्जिट लेते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुबारक हो सबको ये मुबारक महीना, बने सबके खातिर ये जन्नत का जीना।